किस्मत बदलने के लिए मैं फटाफट शादी करके बिचारी को मेरे दुख नहीं देना चाहता मैं उन जिससे भी शादी करूँ उसको रानी की तरह रखूँगा मुझे दोनों पसंद है क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था सैंड और मेरी सच्ची में मुझे दिल से खुशी होती है कि वो सही इंसान को के हाथ में ट्रॉफ़ी है आई शब अभी पता नहीं मुझे मैं तो वही समझ रहा समझना खतरों का हर साल का जो फॉर्मेट होता है इस साल में लिख के देता हूँ चेंज होने वाला है वहाँ पर भी आधा भी पोस् रहेगा नमस्ते राम राम मैं हूँ आपका रहा, उत्तम रहा, मुझे। और हमारे साथ है के स्टार, शिव बिग बॉस उ ने शिव बिग बॉस मराठी को बदल कर कुछ और बना दिया क्या है आपका? जी आ, आपने जो रॉक स्टार बोला उसमें मुझे अंदर गुदगुली भी और अच्छा भी लगा थैंक यू सो मच तो सच्ची में मराठी के बाद जो मैं सपने देख रहा था बीच में हो गए नहीं हो गए और अभी जो पागलबंदी हो रही है लाइफ में जो मैजिकल लाइफ हुई है वो मैं बहुत जी रहा हूँ और जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे होता है ना कि कहीं पे भी घूमो कहीं पे भी घूमो अब ऑलमोस्ट ऐसे भाग के आते हैं मुझे मज़ा आता है प्रासी, हाँ प्रासी कैसा लग रहा है यार वो तो मैं देखता था यार आर्टिस्ट के पीछे जब भी कोई आता था वो भागते थे यार एक दिन अपने पीछे भी होगा ना तो अभी हो रहा है मेरे को मज़ा भी आ रहा है मेरी स्माइल निकलती है फिर मैंने बोला अभी कल परसों थे आज मत बुला ना ऐसा ना होगा और अपनी जो जनता है वही बोले कि क्या शो हर बार उसी के सामने बोले नहीं नहीं, नहीं बुलाया नहीं फिर मैंने देखा ये आगे बोले ये खुद आते हैं बोले चल चल अंदर से अच्छा भी लगता है पर ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि शो हमेशा आगे 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 बट वो जो प्यार मिल रहा है ना वो बहुत मजा आ रहा है मुझे और मैं अभी जो आप लोग हो जो आते हैं सब भाग दौड़ करके उनको दिल से शुक्रिया और ये मेरे लिए सपने से कम नहीं है शेर जो ट्रॉफी थी वो मंडली को मिली आप लोग कहते थे मंडली में ट्रॉफ़ी आई मंडली में कई ऑफिस ऑफिस बनाए ट्रॉफी कहाँ रख रहे हैं शेयर वेयर करने वाले कि अकेले एम सी स्टैंड ले गया पीटा नहीं नहीं मंडली में विनर है ना तो वो आ, फिजिकली ट्रॉफी भी नहीं रही तो विनर तो हमारा मंडली का है वो रखेगा उसके घर पे जो जिसका हक है पर जब भी अभी मैं जाता हूँ तो हमेशा बोलते कि दादा ठीक है ना नहीं जीते पर अपनी मंडली जीती ना वो जो लाइन है ना वो हमेशा रहेगी शिव शिव से मंडली थी मंडली से शिव था क्या हुआ मैं अपना ऑब्जर्वेशन बताऊँगी आपको क्या लगता है मुझे लगता है कि मंडली में शिव था और क्योंकि एक पर्सन कभी मंडली नहीं बना सकता है जब फैमिली होती है मतलब उसको फैमिली का नाम देते हैं ग्रुप या दोस्ती होती है एक पर्सन से कभी नहीं होती जब ये पाँच हो जाते तभी ये जाके मंडली बनती है तो साजिद एक सीनियर बंदे थे उनको टीम बनानी थी उस टीम में जिसके सर पर रख के दावा उनको खेलना था वो शिव था कि शिव है तो मंडली है और शिव मंडली में रहा शिव ने पूरा लाइनअप किया और शिव का दोस्त जो शिव के लिए ट्रॉफी को त्याग करने वाला था वही ट्रॉफी ले गया बट ठीक है मुझे लगता है कि कोई जनता तो ये सब देख रही थी अगर आपने ये बोला है तो ये सब देख रही थी और जनता को लगा भी कि शायद एमसी आ, को वोट करना चाहिए क्योंकि वोटिंग अगर बिग बॉस करते तो हम बोल सकते थे शिट यार बट वोटिंग होती है एक बिग बॉस में सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम लोग करते तो कहीं तो भी मुझे लगता है उससे लोग कनेक्ट हुए थे और कनेक्ट होके वो लेके गए और मुझे भी जो लोग कनेक्ट हो रहे वो भी मुझे बहुत कुछ मिल रहा है मुझे मज़ा आ रहा है तो उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा कि यार ये चीज़ थी जिसकी चीज़ थी उसके पास है और मेरी जो चीज़ है शायद मेरी बड़ी फिल्म होगी और वो बड़ी फिल्म वो के उसके लिए उसके बारे में मैं जाना जी वो बड़ी तो बड़ी फिल्म जो होता ना मेरा जर्नी वो ऐसे अगर गया बिग बॉस मराठी जीता हिंदी जीता फिर मराठी जीता रुका फिर चढ़ा तो ये ऐसे जाएगा तो मुझे लगता है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और वो जो हंगर है जो भूख है वो मेरी और बढ़ गई है और भगवान यही चाहते होंगे शिव मराठी बिग बॉस आपकी जर्नी बिल्कुल अलग थी आपका गेम बिल्कुल अलग लोगों को लगा है वही गेम खेलेगा शिव यहाँ पर वहाँ पे आप आपकी गर्लफ्रेंड भी बनी आपका टैटू अभी तक है और यहाँ पर आने के बाद आपका गेम बिल्कुल अलग हो गया क्या ये प्लान था मुझे बताओ रियल लाइफ में आ, फर्स्ट ईयर में आप जाते हो आपको प्यार होता है बहुत ज़्यादा मतलब उस लड़की लिया आप कुछ भी कर सकते हो फिर से सेकेंड ईयर में आप जाते हो अभी अभी है अभी टैटू तो है हाँ नहीं लड़की नहीं है बट अगर सीधी सीधी बात है अगर मुझे सच्ची में दूसरी गर्ल पसंद आती या फिर मुझे लगता कि चलो गेम प्लान तो मैं पहले टैटू रिमूव करता इतना तो बेसिक है ही बट मुझे था कि नहीं ना कोई चीज़ है जो अच्छी थी जहाँ पे भी थी हमारा हम आ, दूर हो गए बट मुझे नहीं लगता वो चुभ नहीं रहा अभी फ़िलहाल ना कोई आ रहा है मेरे लाइफ में तो वो हो गया जो हो गया वो ख़त्म हो गया ने कहा है कि शादी होती है आपकी किस्मत बदलने वाली इरादा क्या है तो... नहीं, नहीं, फटाफट शादी करके बिचारी को रानी की तरह ने आईकून किया हाँ रानी जैसे रखने वाले पर रानी को ऐसा नहीं होगा मुझे रानी बना के लाया बट मुझे छोड़ के प्रायोरिटी अलग है तो मैं वो बैलेंस करना चाहता हूँ उसको रानी की तरह ही ट्रीट करूंगा तो उसके पहले मैं मेरा महल बना लूँ महल बनने का है और वो मैं बहल महल बना के रहूँगा और बड़ी फिल्म बना के रहूँगा तब तो जाके रानी को लेके आऊँगा तो रानी भी रानी की तरह रहेगी आप खतरों में जा रहे हैं अर्चना जिससे आप बचना चाहते थे तो वही आपके साथ आ रही है। आई आई शपथ अभी पता नहीं मुझे मैं तो वही समझ रहा समझना खतरों का हर साल का जो फॉर्मेट होता है इस साल में लिख के देता हूँ चेंज होने वाला है वहाँ पर भी आधा भी बहुत रहेगा अगर मैं आपसे किल मैरी और किल मैरी और डेट का ऑप्शन दूँ तो प्रियंका सौंदर्या और निमृत ये देना पड़ता है कि एक फसा रहे हो आप आप, <laughs> आप बताइए आपको क्या <laughs> आ, किसे किल करेंगे किसे किल कौन-कौन है आ, अर्चन है ना अर्चन में प्रियंका सौंदर्य और नंबर सौंदर्य वो किल कर देते हैं <laughs> ओके <Okay. laughs> वो खूबसूरती रहेगी ऊपर भी हां okay. उसके बाद डेट मुझे ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा अलग जा रहा है डेट <laughs> <laughs> प्रियंका और मैरी निमृत शायद वैसे शिवyanka और शिवरित दोनों बहुत ज़्यादा यू you नो know, फेवरेट हो रहे हैं आपको कौन सा पसंद है मुझे दोनों पसंद है क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था और ऐसा होता ना कि मुझे कल क्रिएटिव मेरे साथ मस्ती कर रहे थे कि तूने किया क्यों नहीं मैंने मैं करता तो ये नहीं करता ये जो बेसिक है मैं लाउड करता मैं पूरे हार्ड बना बना के और ये तो, ये तो ये तो मैंने किया भी नहीं तो इतना कुछ हुआ तो बोले नहीं वो करना नहीं पड़ा पर ऐसे मस्ती चल रही थी बट मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था कि बाहर ऐसा कुछ हो रहा है जब मुझे निमृत वो प्रैक्टिस करने आई थी तब बताया था बोले ऐसे कैसे हुआ मतलब क्या होगा फिर बाहर आने के बाद देखा कि मेरे को मज़े भी आ रहे थे सरप्राइज भी हो रहा था और सबसे ज्यादा शॉकिंग था प्रियंका वाले केस में भेंडी हमने तो ऐसे लड़ाई की है यार बट उन्हें दोनों का बॉन्ड है कुछ दोनों का कनेक्शन है ऐसे कुछ साथ में करते हैं पर हम हम एंजॉय कर रहे हैं कुछ वर्ड्स बहुत फेमस हो गए भेंडी आई शपथ गणपति पप्पा मौर्य आपने एक्सपेक्ट किया था इतना लोग जानने लगेंगे बोलने लगेंगे इन सब बातों को नहीं सच्ची में एक बात बताओ कि जो जब आप जर्नी जीते हो जो भी सोच के अगर बोलोगे वो नहीं होता है जब आप जैसे हो वैसे रहोगे तब तो जाके कुछ होता है और मेरे को पता नहीं था कि ऐसी चीज़ है और मुझे पूरे जर्नी में आ, बिग बॉस ने मुझे थोड़ा भी पैम्पर नहीं किया और मुझे वो चीज़ें पता भी नहीं चलती थी कि तेरा कुछ है पर बाहर आने के बाद था कि मैं पहले बिग बॉस मराठी में इतना था तो थोड़ा तो लोग पसंद करेंगे बट बाहर आने के बाद मुझे बहुत सरप्राइज मिला तो होपफुली बिग बॉस ने वो मेरे लिए किया होगा कि मुझे चल इसको ज़्यादा पैम्पर नहीं करता आई बाबा होता आई बाबा खूब खुश है खूब खुश है अन आई तो हे कि कोई भी आए कोई भी आए हमारे घर पे आए बाहर है, किसी को हर्ट नहीं करना सेल्फी देना रुक जाना काम अभी घर पे जब लोग आते हैं ना अभी तो हंड्रेड टू हंड्रेड फाइव ओ आ जाते हैं और जब मैं गया था तो मैं फिर सोने दूसरी जगह गया था रात को तीन बजे तक रुके थे और बहुत सारा लोग तो आई का था कि सबको सेल्फ़ी देना और घर पर सबको चाय बनती है कितनी भी गर्दी हो दिन भर वो पोहा करके और एक नागपुर से अमरावती 150 किलोमीटर वहाँ पे एक ग्रुप आया था उनको बोले कि आप खाना खा के जाओ और उनको 10 लोगों को खाना खिला के भेजा तो आई का एक अलग चल रहा है गेम आप लोग जो सवाल पूछते हैं कि शिव आखिर कब तक कॉमन मैन रहेगा आप सेलिब्रिटी बन गया तो ये इस तरह का सेलिब्रिटी है जो अपनी कॉमन मैन का जो उनकी जो खूबसूरती है वो बरकरार रखा बहुत बड़ी बात है पर ये ये मेरे आई की वजह से शायद है और वो कभी नहीं जाएगी शायद ऐसा लगता ना आई यार झोपूते थे दोनों तास मुझे पाँच छः नहीं साढ़े तीन तक लोग थे फिर मैंने बोला मैं सिर्फ पाँच घंटे सोने थे क्योंकि मैं आठ दिन हो गए प्लीज़ बाद में मैं सबको दूंगा जो मैं जाऊँगा ही नहीं कहीं पर आई ने मेरे को आठ बजे उठा दिया रेडी हो बाद में वो प्रेस वाले आएंगे वो ठीक है बट पहले ये जो लोग खड़े ये बहुत दूर से है तो वो जो चीज़ें ना आई की वो वो ऑब्वियसली मुझे पता है और जाते हो कि मुझे बताया था हम लोग यही लोग तुझे बनाते यही लोग तुझे बनाते इनको कभी हर्ट नहीं करना तो वो चीज़ शायद वो जो कान हमेशा ऐसे रहता है ना वो दोस्ती के स्टैंड और मेरी सच्ची में मुझे दिल से खुशी होती है कि वो सही इंसान को के हाथ में ट्रॉफ़ी है और उसने हमेशा खुद से ज़्यादा मेरे बारे में सोचा है और वो हमेशा वैसे भी लाइफ में भी हमेशा सबके लिए अच्छा सोचता है कि दुआ हो कि तू चिल्ला रही है दुश्मन है क्या है तेरा भला हो यार वो एक उसके मम्मी के वजह से उसमें और हमेशा मुझे लगता है अच्छा दोस्त मिला है और होपफुली उसका भी बहुत बड़ा रॉकस्टार तो तो बनी गया है एक्ट्रेस चुनने का तो अपने बिग में से किसको आप अपने अपोजिट सेलेक्ट करेंगे मुझे मुझे लगता है एक से मज़ा नहीं आएगा तो प्रियंका निमरेट, सुम्ब्या सबको अर्चना सब 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 मल्टी कास्ट करेंगे एक हीरो और सब लड़कियां। शिव दुनिया पूरी बाहर की अलग है बड़ी बड़ी फिल्में आपको मिल रही बड़े बड़े नाम आ रहे हैं आगे क्या इरादा मराठी में काम करेंगे हिंदी में कुछ सोचा है क्या करना है पहले मैं सच्ची बोलूँ कि खुद पे काम कर करके वो काम करूंगा कि किसी ने ये नहीं बोलना चाहिए ये काम शिव के लिए नहीं था ये काम शिव का ही था और उसी मेरा ये मैं किसी बोलने की एक uh, क्या कहेंगे उसको uh, वजह नहीं दूंगा और uh, बाकी जो मराठी और हिंदी है वो तो ऑब्वियसली जो माती है मेरे जहाँ माती तो नालो है मी तला नहीं छोड़ना आरमी आनी हिंदी तो ऑब्वियसली कि महाराष्ट्र का जो पर्सन है वो पूरे देश में जाने, जाना जाना जाए तो मैं दोनों को बैलेंस करूँगा मराठी भी करूँगा और हिंदी भी करूँगा और बड़े पर्दे पर भी करूँगा uh... करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप अपना नाम जो पूरा प, शिव उत्तम राव पूरा नाम वो लेकर के मैं फीफा बोला पूरा नाम लेकर के स्टाइल में बोले हेलो नमस्ते राम राम मैं हूँ राव उत्तम राव झिंगू जी गनु जी ठाकरे आई चलिए तो ये हैं शिव ठाकरे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शिव ठाकरे ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है और पूरा आकाश इनके सामने खाली पड़ा है बहुत उड़ेंगे और बहुत तरक्की करेंगे विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू